मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे चरण के विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण के लिए बनाए गए प्रचार वीडियो का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 38 जनपदों में दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी, मौत के आंकड़े नियंत्रित नहीं हो रहे थे। 3 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में अंतरविभागीय कार्ययोजना तैयार हुई, जिसमें यूनिसेफ, WHO जैसी संस्थाओं ने सहभागिता की तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व संस्थाओं के योगदान दिया, जिससे प्रदेश में बेहतर परिणाम हमारे सामने है। अंतरविभागीय समन्वय से सभी विभाग अपने अपने क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दें तो बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिमागी बुखार को नियंत्रित करने में शासन को सफलता प्राप्त हुई है। फील्ड में तैनात टीम और विभिन्न विभागों ने स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्य किया है वह सफलता कहानी कहती है। इसके लिए मैं भी सभी संबंधित विभागों को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो मैं पहले से इस बारे में जानता था कि मात्र उपचार से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, हमें बीमारी से बचाव के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाकर ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, महिला और बाल विकास, शिक्षा विभाग, कृषि, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, सभी विभागों को आपस में जोड़कर एक कार्य योजना तैयार की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1 से 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इस बार सभी 75 जनपदों में दस्तक अभियान के साथ पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए अन्य विभागों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान, रोगियों की उपचार व्यवस्था, संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार के रोगियों की निगरानी एवं सर्विलांस जैसी गतिविधियां की जाएंगी। इसके अलावा व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान से जुड़े दस्तक अभियान में आशा, ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने क्षेत्र में घर घर जाकर परिवार के समस्त सदस्यों को AES/JE रोग, विषाणु जनित रोगों तथा कोरोना एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचाव एवं उपचार की जानकारी देंगी। गोरखपुर स्थित आयुक्त कार्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मंडलायुक्त जयंत नालीकर, प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह, AD हेल्थ डॉक्टर JP त्रिपाठी, CMO SK तिवारी, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जो भी पूरे देश में अपने आप में अनूठा अभियान है, और केवल बच्चों की नहीं क्योंकि माताओं की भी काफी टीकाकरण होता है, टीके इंजेक्शन उपलब्ध है। Oh, God.
और तारा की तरह तैयार। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संचारी रोग अभियान का शुभारंभ करें और हमें अपना आशीर्वचन दें। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के इस वर्ष के तृतीय चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन के आयुक्त श्यालोक सिन्हा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव श्रीमित मोहन प्रसाद जी, सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, यूनिसेफ WHO तहपात संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और जिले स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों से इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता के माध्यम से पूरे प्रदेश से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विगत 3 वर्षों से लगातार शासन एक अभियान चला रहा है। अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता से कैसे किसी भी महामारी को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, विगत 3-4 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिणाम आए हैं वह देश और दुनिया के लिए अपने आप में एक उदाहरण बने हैं। प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। लेकिन मौत के आंकड़े नियंत्रण में नहीं आ रहे थे। आज से 3 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में एक अंतर विभागीय कार्ययोजना तैयार हुई। यूनिसेफ, WHO तथा 5 जैसी संस्थाओं का इसमें सहभागिता हुई। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं का योगदान लेकर के पूरे प्रदेश में जब यह अभियान प्रारंभ हुआ, आज उसके बहुत बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं। और मुझे लगता है कि अंतर विभागीय समन्वय से अगर ईमानदारी से सभी विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दें तो बेहतर परिणाम कैसे लाए जा सकते हैं। कम से कम दिमागी बुखार के मामले में तो ये सफलता उत्तर प्रदेश शासन को जो प्राप्त हुई है वो हम सबके सामने है। फील्ड में तैनात हमारी टीम ने, विभिन्न विभागों ने स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्य करके दिखाया है वो सचमुच एक सफलता की एक सफलतम कहानी कहती है। मैं इसके लिए सभी संबंधित विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मस्तिष्क ज्वर
ये बीमारी को पिछले 40-45 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है। मुझे याद है 1977 में पहली बार मस्तिष्क ज्वर का कहर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था और उसका केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपद हुआ करते थे। 1977 से 2017 तक इन 40 वर्षों में कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब प्रतिवर्ष 600 से लेकर के 1500 तक बच्चे 3-4 महीने के अंदर इस बीमारी की चपेट में नहाते रहे हों। प्रारंभिक 20 वर्षों तक शासकीय उपेक्षा और उदासीनता इस क्षेत्र में देखने को मिली थी। 1997-98 के बाद इस संबंध में शासन के प्रति शासन ने थोड़ी संवेदना दिखाई, चिकित्सीय सुविधा प्रारंभ करने का प्रयास हुआ, वहां पर जांच की सुविधाएं प्रारंभ की गई, लेकिन परिणाम तब भी दूर की कौड़ी थी। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार आई, मैं पहले से इस बारे में जानता था कि मात्र उपचार से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, हमें बीमारी से बचाव के रास्ते अपनाने पड़ेंगे और बीमारी से बचाव के कौन से रास्ते हो सकते हैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, महिला और बाल विकास, शिक्षा विभाग, कृषि, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सभी विभागों को आपस में जोड़ करके एक कार्य योजना तैयार की गई स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए, जागरूकता के लिए प्रभात फेरी और व्यापक प्रचार प्रसार के एक अभियान को हाथ में लिया गया। बाल विकास और पुष्टाहार ने उन लोगों तक पोषाहार पहुंचाने की कार्रवाई को अपने हाथ में लिया और हर एक स्तर पर जब यह कार्यक्रम आगे बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने भी बेहतर सर्विलांस के माध्यम से सुविधाएं देनी प्रारंभ की, तो आज उसका परिणाम है 2016 में 4,353 दिमागी बुखार के मरीज उत्तर प्रदेश में आए थे, जिसमें 715 की मौत हुई थी। 2017 में 5,417 दिमागी बुखार के पेशेंट उत्तर प्रदेश में आए थे, जिसमें 748 की मौत हुई और 2020 में अगर हम देखते हैं तो 823 कुल मरीज आए, जिसमें 25 की मौत हुई। आप अनुमान कर सकते हैं 2017 में 748 की मौत होती है और 2020 में 25 की मौत होती है। इस सफलता की वह एक कहानी कह रही है जिसे हम हर एक क्षेत्र में बराबर लागू कर सकते हैं। अंतरविभागीय समन्वय और एक टीम वर्क का परिणाम क्या होता है, जो उसकी सफलता की कहानी को हम सबके सामने कहता है और इसीलिए मैं बार बार शासकीय विभागों से अंतरविभागीय समन्वय की ताकत और टीम वर्क की ताकत को पहचानने और उसके अनुरूप परिणाम की अपेक्षा भी बार बार करता हूँ। वास्तव में दिमागी बुखार के खिलाफ हमारे इस अभियान ने दुनिया के सामने इस सच को फिर से साबित किया है कि बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है।
और मैं धन्यवाद दूंगा कि यूनिसेफ ने, WHO ने और पांच जैसी संस्थाओं ने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के कदम से कदम चल करके इस सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन यह सब संभव हो पाया जब प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ये शौचालय केवल एक गरीब को शासन से मिलने वाला अनुदान मात्र नहीं था, यह खुले में शौच से मुक्त के अभियान के साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा के साथ ही तमाम प्रकार के संचारी रोगों से बचाव के लिए भी एक सशक्त साधन उन लोगों को उपलब्ध कराना था और यह हम लोगों ने देखा है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, दोनों स्तर पर व्यापक पैमाने पर शौचालय बने और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जहां पर हर एक को लगता था कि ODF का लक्ष्य ससमय इसलिए नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया कि नहीं, हम लोग ससमय इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और देखते ही देखते 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में और काफी बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में भी शौचालय बनाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम लोगों ने ODF के लक्ष्य को प्राप्त किया। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए भी उन सभी बस्तियों को, उन क्षेत्रों को चिन्हित करने का कार्य हुआ जहां पर हम लोग पाइप पेयजल की योजना पहुंचा सकते थे पाइप पेयजल से, जहां पे हैंडपंप लगा करके उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है वहां पर व्यवस्था, शेष अन्य स्थलों पर वहां पर लोग पानी गर्म करके छान करके पिए, इसके माध्यम से भी हम लोगों ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। यानी एक अभियान चला करके जो कार्यक्रम आगे चले आज उसके परिणाम हम सबके सामने है और इस अभियान की कड़ी को ही आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस वर्ष के तृतीय चरण के संचारी रोग के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा फील्ड की अपनी टीम को जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में भी इस अभियान को एक निरंतरता वे लोग देते रहे, खासतौर पर जब मार्च में हमने इसे प्रारंभ किया था तब कोरोना की दस्तक देश के अंदर आ चुकी थी, उस दौरान भी यह अभियान सफलतापूर्वक चला। हमने जुलाई मास में इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और आज फिर से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये महीना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यद्यपि बरसात अब समाप्त हो चुकी है, हेल्दी सीजन आ चुका है, अब ये मान्यता है कि बीमारियां कम होंगी, ये मौसम स्वास्थ्य के अनुकूल मौसम माना जाता है, लेकिन फिर भी मौसम का उतार चढ़ाव है, इन चीजों के प्रति सावधानी आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक विभाग के साथ यहां समन्वय स्थापित करते हुए शासन में बैठे हुए सभी विभाग जनपद स्तर पर अपनी टीम को भी इन बातों से अवगत कराएं और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है वह भी इस अभियान के साथ जुड़ करके सभी संबंधित विभागों को इस बात के लिए तैयार करें कि जो भी लक्ष्य जिस विभाग को प्राप्त करने हैं वह बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी विलंब के उन्हें त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य करें। खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस में स्वच्छता के साथ साथ सर्विलांस की बहुत बड़ी भूमिका थी।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के उदाहरण को मैं पिछले 25 वर्षों से देखता रहा हूं और ज्यादातर मरीज की मौत इसलिए होती थी क्योंकि ग्रामीण और गरीबी पृष्ठभूमि उनकी होने के कारण स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उन्हें पहुंचने में होने वाली देरी के कारण व्यापक पैमाने पर मौतें होती थी। हम लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के जब ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी में भी मिनी पीको की स्थापना की, वहां के चिकित्सकों को, वहां के पैरामेडिक्स को, वहां के टेक्नीशियंस की भी ट्रेनिंग दिलवा करके उन्हें इस योग्य बनाया कि वे मिनी पीको का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकें और विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा कोरोना की ही तरह इस बीमारी में भी केवल लक्षण के आधार पर ही उपचार होना है तो स्वाभाविक रूप से उस प्रकार के उपचार जब वहां पर देने की व्यवस्था प्रारंभ की तो उसके बेहतर परिणाम आए। मैंने पिछले 3 वर्षों के दौरान जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट था वह था गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज। उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विगत वर्ष भी और उससे पहले वर्ष भी जाकर के स्वयं इस बात को देखा। इससे पहले पेशेंट सीधे गांव से उठकर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज आता था, बीच में वो न पीएससी में जाता था न सीएससी में न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जाता भी कैसे क्योंकि वहां पे सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों के दौरान पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, एम्बुलेंस सेवाओं को भी बेहतर किया गया, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कुछ सीएससी में हम लोगों ने मिनी पीको की स्थापना की, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर जगह जगह स्थापित किए गए, व्यापक पैमाने पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज उसका परिणाम है आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देखेंगे, किसी भी बीएसटी में आप देखेंगे, गांव से आने वाला व्यक्ति किसी सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा रिफर करने के बाद ही सरकारी एम्बुलेंस से वहां तक पहुंचा है। यानी समय पे पेशेंट को उचित स्थान पर पहुंचा देना यह भी उसकी जान को बचाता है और यह कार्य वहां पर हुआ है। आज उसका परिणाम है जो मैं आपको आंकड़े बता रहा था, 2016 में प्रदेश के अंदर जो खतरनाक आंकड़े थे 4,353 दिमागी बुखार के मरीज आए थे जिसमें से 715 की मौत हुई थी, 2017 में 5,417 दिमागी बुखार के मरीज आते हैं जिसमें 748 की मौत होती है, तो 2020 में कुल 823 दिमागी बुखार के मरीज आते हैं जिसमें केवल 25 की मौत हुई है। यानी यह सफलता की एक नई कहानी सबके सामने कह रही है और चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बचाव इस बीमारी का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है, उपचार का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। और हर एक विभाग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो कोई कारण नहीं कि अगले वर्ष तक हम लोग इंसेफ्लाइटिस को यानी दिमागी बुखार को पूरी तरह समाप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। यह लक्ष्य हमें लेकर के चलना होगा और इसके लिए मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्य बेहतर सर्विलांस और उपचार की इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में सीएससीएच में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध हुई है, उसी प्रकार के कार्यक्रम को ग्राम्य विकास और पंचायती राज ने ग्रामीण क्षेत्र में घर घर शौचालय उपलब्ध करा के अब वह सामुदायिक शौचालय के लक्ष्य को भी पूरा करने की ओर अग्रसर है। स्वच्छता के विशेष अभियान को चलाने की कार्रवाई हो या फिर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आज हम हर घर नल की योजना तक पहुंच चुके हैं, एक बेहतर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, एक बेहतरीन दिशा में कार्यक्रम आगे चल रहा है। तो दूसरी तरफ नगर विकास ने भी नगरीय क्षेत्रों में भी शौचालय उपलब्ध कराने के साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए भी उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया।
इसी प्रकार से शिक्षा विभाग ने जागरूकता के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। कोरोना कालखंड को छोड़ दें तो इससे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन और विभिन्न प्रकार के अन्य रचनात्मक कार्यक्रम करने के अभियान प्रारंभ हुए थे। महिला और बाल विकास विभाग ने भी पोषाहार के कार्यक्रम को हरेक परिवार तक पहुंचाने के कार्यक्रम एक बृहद अभियान को अपने हाथों में लिया और इस सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वित भी किया जा रहा है। ऐसे ही अन्य सभी संबंधित विभाग, समाज कल्याण हो, दिव्यांगजन हो, कृषि हो, ये सभी विभाग अपने अपने स्तर पर जो कार्य जिन्हें वहां पर सौंपे गए हैं, अगर सभी लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। अक्टूबर महीने में हमें सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि वैसे भी अब हेल्दी सीजन है, स्वाभाविक रूप से सर्दी चढ़ेगी, गर्मी का ताप कम होगा। यह जो एक संक्रमण का काल होगा इस दौरान सावधानी भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि हेल्दी सीजन है तो स्वाभाविक रूप से कुछ वायरल फीवर भी आते हुए दिखाई देंगे। हमें कोरोना से भी लड़ना है और हर प्रकार के संचारी रोगों से भी लड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है और इसलिए कोरोना के लिए आप जान रहे हैं कि संक्रमण तीव्र है, लेकिन संक्रमण की तीव्रता के साथ ही सावधानी अगर हम रखेंगे तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं। पर्व और त्यौहार भी पड़ेंगे, भीड़ भाड़ से बचना होगा, दो गज की दूरी, मास्क जरूरी के इस मंत्र को अपनाना होगा, स्वच्छता को, सैनिटाइजेशन को, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को और जो 5 संवेदनशील कैटेगरी हैं उन लोगों को बचाव के प्रति और भी जागरूक करना पड़ेगा। हम कोरोना से भी बच पाएंगे, साथ साथ किसी भी प्रकार के संचारी रोग से, वह इंसेफ्लाइटिस हो, डेंगू हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, इन सब से भी हम पूरी तरह बच सकते हैं। मैं संचारी रोग अभियान के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि COVID-19 के खिलाफ सफलतम लड़ाई को लड़ने के साथ ही हम लोग उन सभी बीमारियों से भी लड़ने के लिए जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं जिसके कारण तमाम प्रकार की असमय मौतें प्रदेश के अंदर हुआ करती थीं, आज हम सफलतापूर्वक उसका भी प्रदेश के अंदर इस बीमारी से बचाव के लिए भी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमें देखना होगा जिन बच्चों को टीके नहीं लग पाए हैं, बचाव करते हुए पूरी सावधानी बरतते हुए अगर उन बच्चों को टीकाकरण के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा सकेंगे या स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्यक्रम को या जागरूकता के अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा पाएंगे तो हमें इसके बारे में पूरी सावधानी बरतते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।